हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की मूवी बड़े मियां छोटे मियां के पूरे 5 दिनों के इंडियन और वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में। तो हम जानेंगे इस मूवी ने अपने 5 दिनों में कितने करोड़ों के नोट छापे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। तो अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की फिल्म बड़े मियां छोटे मियां ईडी के मौके पर सिनेमाघर में रिलीज हुई थी। इस फिल्म को ऑडियंस और क्रिटिक्स से दोनों से मिक्स रिव्यूज मिले थे, फिर भी ये फिल्म कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। ईद पर रिलीज हुए बड़े मियां छोटे मियां से पहले ही वीकेंड पर 100 करोड़ के क्लब में शामिल होने की उम्मीद फैंस लगा बैठे थे, लेकिन फिल्म को 50 करोड़ के क्लब में शामिल होना भी मुश्किल लग रहा है। बड़े मियां छोटे मियां का 5 दिनों का कलेक्शन सामने आ गया है, जिसे देखकर कहा जा सकता है कि मंडे टेस्ट में फिल्म पास नहीं हो पाएगी। तो बड़े मियां छोटे मियां मल्टी स्टारर फिल्म है, जिसमें अक्षय कुमार टाइगर साथ मलयालम स्टार पृथ्वीराज सुकुमारन और पृथ्वीराज ने फिल्म में विलन का किरदार निभाया है। उन्होंने विलन बनकर फैंस को काफ़ी इम्प्रेस भी किया है। इसके अलावा फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा, अलाया एफ और मानुषी छिल्लर अहम किरदार निभाते नजर आए हैं। फिल्म की इतनी बड़ी स्टार का सोने का भी कोई फायदा नहीं हुआ है। बड़े मियां छोटे मियां को रिलीज हुए 5 दिन हो गए हैं और फिल्म अब तक 50 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। रिपोर्ट के मुताबिक बड़े मियां छोटे मियां ने 5वें दिन करीब 2,50,00,000 रुपए का कलेक्शन किया है। फिल्म ने पहले दिन 15,65,00,000 रुपए कमाए थे, दूसरे दिन 60,60,00,000 रुपए की कमाई की थी, तीसरे दिन 8,50,00,000 रुपए कमाए थे और चौथे दिन 9,05,00,000 रुपए का कलेक्शन किया था, जिसके बाद टोटल कलेक्शन 43,30,00,000 रुपए हो चुका है। रामनवमी के हॉलीडे पर फिल्म का कलेक्शन बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। इस दिन फिल्म के कलेक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है और 50 करोड़ के क्लब में एंट्री कर सकती है। तो बड़े मियां छोटे मियां ने एक दिन पहले शाम को अजय देवगन के मैदान को रिलीज किया गया था। 10 अप्रैल की शाम को मैदान के पेड रिव्यूज रखे गए थे। हालांकि मैदान बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पा रही है। तो गाइस, आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसी ही जरूरी अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।